सियासत में खेल नहीं आना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर रहना चाहिए, तब दोनों चीजें जो है वो पटरी पर चलती है। लेकिन सच ये है कि खेल में सियासत और सियासी खेल दोनों कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हमारे साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह जी मौजूद है। पहला सवाल यही है, क्योंकि आप सीधी बात करते हैं इसलिए बिना किसी लाग लपेटे के सवाल यही है, क्यों लग रहा है कि ये साजिश थी, आंदोलन नहीं था जो विनेश फोगाट के जरिए किया गया या महिला पहलवानों के जरिए किया गया, क्यों ये इतनी बड़ी साजिश इस वक्त आपको लग रही है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं यह साजिश है, और पहले दिन से कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की साजिश है, और पहले दिन से कह रहा हूं इसके मुख्य किरदार का नाम भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है। और अभी कुछ बातें निकल करके आई हैं और अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पूरी स्थिति तो उस दिन स्पष्ट होगी जिस दिन न्यायपालिका का जजमेंट आएगा। लेकिन ब्रिजभूषण जी, यही तो वो भी कह रहे हैं कि पहले दिन से कि हमारे साथ हुआ है अत्याचार, लेकिन इसे सियासी तौर पर अब चोला उड़ाया जा रहा है। पर क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर विनेश फोगाट ने ज्वाइन कर भी लिया है कांग्रेस तो वो आंदोलन नहीं था? ये कोई तो एक बिना होगी, जिस बिना पर कि क्या जो भी किसी पर अगर बड़ी राजनीतिक हस्ती पर आरोप लगाएगा और अगर वो विरोधी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो क्या वो साजिश हो जाएगा? देखिए, मैं फर्स्ट डे से अपनी बात पर कायम हूं, इस आंदोलन के मुख्य किरदार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। तीन मुख्य आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, कोर्ट के प्रतिबंध हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन तीनों आरोपों के समय हम दिल्ली में नहीं हैं, एक में हम सर्बिया हैं और दो घटना के दिन हम लखनऊ में हैं, एक घटना के दिन इसी नंदनी में हैं, और कहीं ऐसी जगह पर नहीं है, हम ऐसी जगह पर हैं जहां बाकायदा कार्यक्रम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, अधिकारी बैठे हैं, लोग बैठे हैं। लेकिन साहब है तो है, अब इन्होंने आरोप लगा दिया, चार्जशीट लग गई, उसको हम झेल रहे हैं। विनेश फोगाट अब कह रही है कि मैं महिलाओं की, बेटियों की आवाज बनकर अब आऊंगी, मजबूती बनूंगी मैं उनकी और दिखाऊंगी कि इंसाफ कैसे होता है। उन्होंने कहा कि अब सुधार होगा, बदलाव होगा। लड़कियों की आवाज और या लड़कियों की इज्जत वो तब होती जब उनके साथ बदतमीजी हो रही थी और उन्होंने पलट करके थप्पड़ मारा था। वो कैसी पहलवान है कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है और एक दीवाल के बगल में, दरवाजा बंद भी नहीं, एक दीवाल के बगल में उसका पति बैठा हुआ है, कथित पति, उस समय पति नहीं था, उस समय उनका फ्रेंड था, पति बैठा हुआ है, और आपके साथ एक 65 साल का आदमी आपसे बदजुमानी कर रहा है, आपके साथ मतलब गलत हरकत कर रहा है, और ये वार्ड वाले हाथ उठे नहीं? अगर ये वार्ड वाले हाथ उठ जाते उस दिन, तब वो लड़कियों की इज्जत होती। ये कहानी झूठ है, मनगढ़ंत है, इन्होंने लड़कियों को बदनाम किया है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, हमारी टीम ने उनसे बातचीत करी, वो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अब जो कुछ भी कह रहे हैं ना, इससे हमारे वोट बढ़ जाएंगे, तो वो जितना कुछ कह रहे हैं कहने दीजिए, पर आपको लगता है कि वोटों की सियासत से दूर ये देखना जरूरी है कि हकीकत क्या है? देखिए, मैं किसी से कुछ कहने नहीं गया, आप ही लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी मीडिया के पास कहने के लिए नहीं गया, मैं किसी के पास नहीं गया, कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है मैं किसी के पास नहीं गया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, लेकिन आप ही लोग आते हैं, सवाल करते हैं, और जब सवाल करेंगे तो अपनी बात रखेंगे। जब हम निर्दोष हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, झूठा षड्यंत्र किया गया, तो अपनी बात रखने का हक मुझे है और मैं रखूंगा। वोट का फर्क ना फर्क ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, किसका वोट बढ़ता है किसका वोट घटता है। हाँ, इतना उन्होंने जरूर किया कि अब राजनीति में बेटियों को ले आए और अपनी बेटियों के इज्जत के नाम पर मुख्यमंत्री पद पाना चाहते हैं। बेटियों को मैंने नहीं बदनाम किया है, बदनाम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, उन्होंने राजनीति में घसीटा है। ब्रिजभूषण जी, आप बहुत बेबाकी से और बेखौफ होकर जब अपनी बात कहते हैं, तो जरा ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस ने इस्तेमाल किया
अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है विनेश फोगाट का या फिर पहलवानों का, या फिर पहलवानों के जरिए ये कोई बड़ी साजिश की गई कि वो सियासी तौर पर फंस गए, उन्हें फंसाया गया, मतलब वो क्या मोहरा है? देखिए अब कौन क्या हुआ मैं नहीं जानता, मेरे साथ साजिश हुई और मेरे उस साजिश में कांग्रेस शामिल थी। प्रियंका जी धरने पर आई थी, उन्होंने समर्थन दिया था, गहलोत आए थे, राहुल जी ने समर्थन किया था, अब आज भी वो समर्थन करते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पूछने का तो खैर राइट पुरुष को है ही नहीं है, संजोग से हम पुरुष भी हैं, राइट है नहीं है, ये राइट केवल उन्हीं को जाता है। लेकिन जब ये आरोप झूठे होंगे, और क्यों झूठे होंगे, क्योंकि तीन घटनाएं प्रमुख हैं। एक घटना के समय मैं सर्बिया में बैठा हूं और दो घटना के समय मैं लखनऊ में हूं, ऑन कैमरा हूं, ऑन रिकॉर्ड हूं। जब मैं दिल्ली में हूं ही नहीं तो कैसे क्या साबित होगा? और जिस दिन यह साबित होगा कि यह घटना गलत थी, तो ये जो मैं 1.5 साल से झेल रहा हूँ, 2 साल से झेल रहा हूँ, कई स्तर पर हमने आपको भावुक भी देखा है, कई बार नाराजगी भी आई है, कई बार गुस्सा भी आया है, कई बार बहुत सारी चीजें सियासी और व्यक्तिगत तौर पर आया है, पर आपको लगता है कि इसका खामियाजा क्या सियासी तौर पर आपको झेलना पड़ा है, या फिर पार्टी का वो विश्वास आप पर रहा है जो आपको लगता है कि पार्टी अभी आगे कर सकती है, या फिर कुछ नुकसान झेलना पड़ा? नहीं देखिए, साजिश ही रही। नहीं देखिए, मैं आप जिस जगह पर बैठी है, संजोग है कि आप मेरे क्षेत्र में हैं, किसी से पूछ लीजिए, किसी से, और यही नहीं अगल बगल की 5 लोकसभा में किसी से पूछ लीजिए, लोग मुझे सांसद देखना चाहते थे। होता यह है कि जनता परेशान हो जाती है कि नहीं नहीं इनको इस बार हटाओ, इनको इस बार हटाओ, कम से कम 5 लोकसभा 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां की जनता चाहती थी कि वो मेरे यहां से सांसद बन जाए, वो मेरे यहां से सांसद बन जाए, और अभी मुझे सांसद के रूप में ही देखना चाहती थी। अभी जब कहीं कहीं भूतपूर्व लिखते हैं लोग, तो जनता कहती है कि इससे अच्छा ब्रजभूषण सिंह लिखा करिए, भूतपूर्व मत लिखा करिए, आज एक महाराज जी ने नाम दिया है अभूतपूर्व, तो आज से आप लोग अभूतपूर्व लिखिए, भूतपूर्व मत लिखिए। तो तकलीफ तो होती है, लेकिन देखिए मानव जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है और ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ता है। तो सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्नाथ, भरत जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था कि हानि लाभ जीवन मरण जस अबजत विद्या, भरत जी की कोई गलती नहीं थी लेकिन अब जस उनको मिला था थोड़े दिन के लिए, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और अब रहा सवाल राजनीति का, तो वही है वही जो राम रच रखा, जो ईश्वर ने सोच रखा है वही होगा, और हमारा मनोबल भी गिरा नहीं है। चलिए आखिरी सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस विनेश फोगाट के जरिए की गई, कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली, अब चुनावी मैदान में जल्द उतरेंगी भी, लेकिन इस बीच जो सवाल उनसे उनके एक्स्ट्रा वेट गेन करने को लेकर कहा गया, उसमें कुछ खासतौर से पत्ते खोलती हुई अपनी बात कहती हुई नजर नहीं आई है। ये सवाल तो है ही कि क्यों नहीं खोला, वो जरूर बताइएगा, लेकिन पूरा देश इसके साथ ये जरूर जानना चाहता है, जब अयोग्य करार दे दिया गया था, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दुख हुआ, चाहे वो आम रहा हो या खास रहा हो, हर किसी को दुख हुआ कि एक बेहतरीन खिलाड़ी जो उस स्तर तक पहुंचा वो आखिर कैसे निकला। आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? मुझे कतई दुख नहीं हुआ, दुख होने कोई सवाल नहीं। जिस प्रकार से मैडम देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको दुख हुआ, लेकिन वो तो एक खिलाड़ी के तौर पर। रुक जाइए ना, मेरी बात सुनिए, मुझे दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? मैं आपके माध्यम से कुश्ती के हर आदमी से ये जानना चाहता हूं, क्या कुश्ती के जो नियम है, चाहे वर्ल्ड लेवल पर चाहे देश लेवल पर, क्या कोई ऐसा नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको सहानुभूति, मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। हमारे कुश्ती का नियम है एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता, या 2 वेट कैटेगरी में एक दिन में कुश्ती नहीं लड़ सकता। इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल कैसे दिया, और फिर इन्होंने ट्रायल दिया 4 घंटे तक,
नियम यह है कि ट्रायल देने के बाद 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिससे आप खा पी करके कुछ रिकवरी कर लीजिए, फिर आप कुश्ती मैदान पर मैट पर आ जाइए। इन्होंने 4 घंटे तो तक कुश्ती को बंधक बना करके रखा, कुश्ती नहीं होने दिया। और 4 घंटे के बाद कुश्ती इन्होंने शुरू कराया, कहा नहीं 50 किलोग्राम की कुश्ती नहीं होगी, पहले 53 किलोग्राम की कुश्ती होगी। और 53 किलोग्राम की कुश्ती में 10-0 से यह हार गई। और तब ये 50 किलोग्राम के वेट कैटेगरी में गई। जिस समय ये 50 किलो वेट कैटेगरी में गई थी, इनको 53 किलो वजन दिखाना था, 53 किलो 52 किलो, क्योंकि 2 किलो की छूट थी। उस समय इनका वजन 54 किलो था। तो 54 किलो वजन देकर के ये 53 वाली वेट कैटेगरी में भी लड़ी, और 54 किलो वजन दिखा करके, मतलब कागज में 52 दिखा करके, ये 50 वाली में भी लड़ी। पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजैक कर लिया, गलत वेट कैटेगरी के साथ पूरी 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 पूरी, पूरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अगर बात पूरी नहीं निकलेगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये जब यहाँ हार गई तो 54 किलो इनका था, लेकिन इनका वेट ठीक से नहीं लिया गया। रेलवे के अधिकारी थे, सब अधिकारी इनके बंधक थे। जो एडहॉक कमेटी ट्रायल करा रही थी वो बिल्कुल डरी थी, सहमी थी। जो कुश्ती संघ के 2 लोग गए थे ट्रायल कराने के लिए, उनको इन्होंने साफ कह दिया कि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे हम कुश्ती नहीं शुरू करेंगे। फेडरेशन के लोगों को बाहर कर दिया गया, और ये एडहॉक कमेटी, कथित एडहॉक कमेटी और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रायल कराया। उस समय इनका वजन, इनका 52 होता तो ये कुश्ती लड़ सकती थी, 50 में एक तो लड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी इनका 54 किलो वजन था। और फिर आप जा करके पता कर लीजिए, अगर मेरी बात गलत है तो जो चाहिए वो सजा दे दीजिए। 6-1 का स्कोर था, 6-1 या 5-1 का स्कोर था आप राउंड तक। शिवानी पवार कुश्ती जीत गए। उसके बाद इन्होंने हंगामा खड़ा किया, और फिर हो करके रेलवे के अधिकारियों ने इनको विजयी घोषित कर दिया। तो ये किसी का हक मार करके, एक तो नियम को तोड़ करके गई थी, और फिर जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। और जो 2 किलो वजन इनका ज्यादा था, 1 किलो वजन इनका ज्यादा था, वही 1 किलो इनके गले का फांस जा करके बना। ये कमजोर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, इसलिए मुझे इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी कि क्या सियासी सफर के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, सियासी सफर के लिए शुभकामनाएं जरूर देता है। आप देंगे विनेश फोगाट को? हम नहीं देंगे होंगे, तो किसी तरह की शुभकामनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह जी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, बेखौफ होकर रखते हैं, और विनेश फोगाट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत मजबूती से अपनी कई बातें कही हैं, कई दावे किए हैं। अब किन दावों में सच्चाई है, नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलदेव सिंह के साथ सबीना।